यमुनानगर में आज सैकड़ों स्टूडेंट्स ने ऑनलाइन एग्जाम की मांग को लेकर टेम्प्ट कॉलेज के गेट पर प्रदर्शन किया। ऑनलाइन एग्जाम करवाने को लेकर सभी धरने पर बैठ गए। कॉलेज स्टूडेंट्स ने कॉलेज प्रशासन के ऊपर आरोप लगाते हुए कहा कि डेटशीट सिर्फ दो दिन पहले ही दी गई है और ऐसे में पेपर भी ऑफलाइन लिए जा रहे हैं। हमारी मांग है कि पेपर को ऑनलाइन लिया जाए। स्टूडेंट्स का कहना है कि हमारी पढ़ाई भी जब ऑनलाइन हुई है तो हम पेपर भी ऑनलाइन ही देंगे और सिर्फ दो दिन पहले ही डेटशीट दी गई है। ऐसे में कोरोना को भी ध्यान में रखते हुए हम ऑनलाइन पेपर देना चाहते हैं। ऑनलाइन चाहिए, दो दिन पहले डेटशीट निकाल दी इन्होंने, हम ऑफलाइन एग्जाम नहीं दे सकते। सारी हमारी क्लासेस ब्लेंडेड में ही है तो हमें एग्जाम भी ब्लेंडेड में ही चाहिए। बस ये बात है हमारी लास्ट। दो दिन पहले थर्ड ईयर की डेटशीट, सर दो दिन पहले थर्ड ईयर की डेटशीट निकली है और तीन दिन बाद हमारा एग्जाम था फर्स्ट ईयर का। और हालांकि सेकंड ईयर का एग्जाम 15 दिन बाद है, पर फिर भी हमारा जो है 3 दिन बाद एग्जाम था तो हम प्रिपेयर नहीं कर सकते इतनी जल्दी में। और हमारी पूरी क्लासेस जैन की ऑनलाइन हुई हैं। ऑनलाइन में आपको भी पता है सर कितना पढ़ा जाता है, कितना नहीं पढ़ा जाता है। हमारी पूरी तैयारी नहीं हुई है सर। बट बात ये है सर, एकदम से एग्जाम्स के मोड में शिफ्ट करना मुश्किल है। या हमें पहले से नोटिस मिल जाता, हमें पहले से एक आ गया था, हमें मतलब टीचर्स भी कह रहे थे कि हम हालांकि कह रहे थे कि ऑफलाइन होंगे, बट उस टाइम पे उन्होंने ये भी कहा था कि अगर लास्ट वाले ऑनलाइन होंगे तो ये हो सकता है कि तुम्हारे प्री यूनिवर्सिटी भी ऑनलाइन हो। कोरोना काल में स्टूडेंट्स की पढ़ाई का नुकसान हो रहा है, तो वहीं एग्जाम को लेकर ऑनलाइन और ऑफलाइन में अब छात्र उलझ गए हैं। यमुनानगर में ऑनलाइन एग्जाम की मांग को लेकर सैकड़ों स्टूडेंट्स ने प्रदर्शन किया और धरने पर बैठ गए। स्टूडेंट्स के इस प्रदर्शन को देखते हुए मैनेजमेंट का स्टाफ भी बच्चों को समझाने के लिए पहुंचा, लेकिन स्टूडेंट्स अपनी मांग पर अड़े रहे। वहीं प्रदर्शन की सूचना मिलते ही शहर थाना पुलिस भी मौके पर पहुंची। वहीं स्टूडेंट्स ऑनलाइन एग्जाम की मांग पर अड़े रहे। ऐसे में जब कॉलेज गेट के बाहर धरना प्रदर्शन किया जा रहा था तो इस बीच एक टीचर की गाड़ी कॉलेज के गेट के पास पहुंची। वहां पर भी बच्चों ने उनको जाने नहीं दिया और जमकर हंगामा किया। इसे फॉलो करने के ब्लाइंड मोड में करेंगे हाफ बच्चे बुला के, तो पेपर कैसे हम पूरी स्ट्रेंथ में ऑनलाइन देने आ जाए, ऑफलाइन देने आ जाए। हम तो ऑनलाइन चाहेंगे सर ब्लाइंड मोड में, ताकि हमारी पढ़ाई भी अच्छे से नहीं हुई, पेपर भी हम ब्लाइंड मोड में देंगे, ऐसे तो हम नहीं दे पाएंगे। और दूसरा, हर इंस्टीट्यूट है जो यहाँ पे खालसा इंस्टीट्यूट है, सबके पेपर हो रहे हैं ऑनलाइन पी यूनिवर्सिटी, तो ये क्यों इतना कर रहे हैं, ऑफलाइन कर रहे हैं, बस हम तो पेपर ऑनलाइन चाहते हैं। और सर बड़ी बात है, क्योंकि सर हमारे में से कई बच्चे हैं जिनको फीवर वगैरह सब कुछ है, अगर हमारे को कुछ हो जाता है कल को तो क्या ये जिम्मेवारी लेते हैं सर? इस करके हम तो इसलिए प्रोटेस्ट पे खड़े हैं जी सर, क्योंकि अगर हाँ जी और ऑनलाइन एग्जाम हो, क्योंकि सर अगर कुछ भी हो जाता है तो ये जिम्मेवारी लेने को तैयार नहीं है। अगर हमें कुछ होता है तो हमारे पेरेंट्स को भी दिक्कत आएगी, हम कर ले नहीं, हमारे घर पे भी कई सारे मेंबर्स हैं, उनको भी कुछ हो सकता है। ये बात आपको बता दें कि तिलक राज चड्डा इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी के 4 कोर्सेज के पेपर होने हैं, जिसमें BBA, MBA, BCA व MCA शामिल हैं और करीब इन 4 कोर्सेज में करीब 1000 स्टूडेंट्स हैं जो आज ऑनलाइन पेपर की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। अब देखना होगा कि स्टूडेंट्स की मांग पर मैनेजमेंट क्या रुख अपनाती है, क्योंकि स्टूडेंट्स अपनी मांग पर अड़े हुए हैं। हालांकि मैनेजमेंट ने स्टूडेंट्स को बातचीत के लिए भी बुलाया है। हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें सिटी लाइफ हरियाणा। फेसबुक पर भी हरियाणा की हर अपडेट के लिए सिटी लाइफ हरियाणा पेज को लाइक करें।